अभी मैं और खुशी आई हैं बाहर डाउन मारने के लिए। बाहर का मौसम तो कितना अच्छा है। डाउन बेड का हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एडिट शानदार ब्लॉग में। दोस्तों, दिन की शुरुआत में सुबह सुबह हो गई है, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत मेरे प्यारे से किचन से। टाइम हो रहा दोपहर का 12:30, मैं आ गई किचन में दोपहर का लंच बनाने के लिए। मौसम का हाल बोले तो चमचमाती धूप लगी है और गर्मी इतनी बड़ी है, हद से ज़्यादा, मतलब बोलना क्या है, इतनी गर्मी बड़ी है। हालत अब पंखा ऑन भी रखा है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी। और सब मैंने भाग रख दिया चूल्हे में, क्योंकि परवेश को जाना है क्लासेस, तो मेरे को 1:30 से पहले खाना बनाना है, तो मैंने रख दिया भाग। सब पानी रखा, बनाती हूँ दाल में, मसालेदार मैंने बॉइल कर रखी है, बनाती हूँ खाना, बने रही वीडियो में कर दी। तो दाल के लिए मैंने पतीले रख दिया, अब इसमें मैं बनाती हूँ मसाला। पहले इसमें डालती हूँ तेल। इधर मेरा भात उबलने बैठ गया है, दाल मैंने इधर बॉईल करके रखी है, क्योंकि मेरे प्रवेश को 2:00 का उसका क्लास है, तो 1:45 तक उसको घर से निकलना है क्लास के लिए, तो इसलिए मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। टमाटर काटती हूँ, इससे मैं टमाटर डालती हूँ, लेकिन कल लेके आई थी, जब कृष्ण बोला था टमाटर लेके आना, तो टमाटर लेके आई। तो ये धनिया लेके आई थी कल रिपोर्ट लेकर के, इतना धनिया भी निकाल दिया, क्योंकि धनिया डालना जरूरी है। तेल गर्म हो गया है, डालने के पहले इसमें हींग, ये हींग है, इसके बाद लाई उसके बाद मैंने कांदा और टमाटर लहसुन वाली लहसुन डाल दिया, मोटा मसाला बना रही हूँ, साबुत मसूर है इसमें, पानी सूख गया चावल में से, मैंने ढक्कन रख दिया, टापट हो जाएगी, गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, मैंने पंखा बंद किया, नहीं तो पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इसलिए मैंने पंखा बंद करके रखा है। दाल अच्छे से गली, मैंने 11:45 पर रख दी थी, 11:45 तक मैंने बंद कर दिया था, तो अच्छे से कर लिया, बाद में धूप होती गर्म होता बहुत ज़्यादा। चलो ये काम हो गया था, मैं ये चावल क्यों आ रहा है, टमाटर भी आ रही, कांदा भी अच्छे से गल गया, उसमें डाल दूँ मसाले, हल्दी तो मैंने पहले डाली है, नमक भी, जिसमें काली मिर्ची डालेगी पहले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा तीखा मिर्ची डालेंगे, मसाला
से 1:30 बजे तक खाना नहीं होना चाहिए। मेरा बाहर का दो मिनट है उसको मैं खाती हूँ। आप मिल गया है और डालेंगे इसमें हरा धनिया। तोरी भी छील के बस मैंने तोरी की भाजी भी काट दिया। एक दो कांदा काटती हूँ बस। फिर मैं सारा मैंने पंखा हुआ कर दिया। अभी गर्मी हो गई अभी तक चूल्हे में कटती हूँ। एक तो चूल्हा हो गया मेरे ये कोने पे उधर से दिखता ही नहीं। फिर ये दाल में मसाला पक रहा था इसको इधर रखती हूँ। इधर मैं भाजी रखती हूँ। ले ली मैंने कढ़ाई फटाफट कर लेता हूँ। भात बन गया, दाल बन गया, भाजी बन गया, आटा गूंथ लिया और रोटी बना दी। मैंने बोला जब भी उसकी छुट्टी है वो लेके जाएगा फिर उसको क्लासेस तो बोल रहा घूमने जा रही हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ जिसको जिधर जाना अपना काम तो अपना है। बार इतनी धूप हो रही हालत ख़राब हो रही देखती हूँ लेकिन जाना मेरे को है। मेरे को बच्चे को फोन भेजे लेकिन आज मेरे पास स्कूटी है तो स्कूटी से जाएगी उतना धूप नहीं लगेगा। ये धूप में ये लड़का किधर जाएगा जाने में बड़ी मुश्किल से उसने स्कूटी छोड़ी। इधर ट्रेन से जाएगा जाने में बस हो गया। मेरी रोटी में रोटी बनते हो गया उसके बाद रखती हूँ खाना बस। क्योंकि प्रवेश ने जगदीश ने पूछी है उन्होंने किया 11:30 12 पे किया नाश्ता। मैंने आई को सोने दिया मैंने सोने दो उठ के उठा ले टी वी देखते कल जाने के जगदीश ने बोला था मेरे को उठाना नहीं तो 11:30 मैंने उसको नाश्ता बनाया 12:15 बजे अभी तक खा ही रहते बोलते हमको खाना नहीं चाहिए ये खाइए खाना कितने 4-5 बजे की जाने जिसको जब खाना मैंने बना दिया है अपनी ड्यूटी पूरी।
गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पंखा इतना तेज चल रहा है, कितनी आवाज़ आ रही है पंखे में, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं आ रही, हवा आ रही होगी लेकिन गर्मी इतनी है कि मालूम नहीं पड़ रहा। ये बर्तन दो, ये लड़की बहुत काम चोर है, एक प्लेट मिलेगी 10 मिनट में डाल देती है, दो तीन मिनट, बहुत काम चोर है, बहुत ज़्यादा। चलो मेरी रोटी हो रही है, गैस बंद कर दिया, अब मैं खाना रखती हूँ। खाना बन गया है, चलो खाना खाते हैं, उसके बाद जाना मेरे को बच्चे को छोड़ने के लिए क्लासेस।